हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनोद सोलंकी एंड आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास 10। क्लास 10 इंग्लिश का एक फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने पहले कर लिया है, आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा कि एक रेंचो नाम का एक फार्मर होता है, किसान होता है, जिसकी जो फसल है वो भारी बारिश के कारण यानी ओलावृष्टि जो होती है उसके कारण सारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। उसके बाद वो काफी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इस साल जो उसकी जो फसल है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और वो ये सोचता है कि उसको इस साल भूखा ही मरना पड़ेगा। फिर वो सोचता है क्यों ना भगवान से इससे इसकी जो है वो मदद मांगी जाए। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान से वो किस प्रकार से मदद मांगता है और उसको ये मदद मिलती है या नहीं। देखिए आज चैप्टर आगे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उसके हृदय में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, जहां पर वो अकेला जिस वैली पर जिस जो एक मिडल में बना हुआ था उसका घर, अकेला एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां पर उसके दिल में सिर्फ एक ही प्रकार की उम्मीद थी, वो क्या थी कि भगवान से मदद मांगी जाए। डोंट बी सो अपसेट यानी कि ज्यादा दुखी मत हो, इवन दोस दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस यानी ऐसा जरूर लगता है कि ये पूर्ण रूप से क्या नुकसान हो गया है। रिमेम्बर यानी याद रखो, नो वन अ डाइस ऑफ हंगर यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say. और वे जो बाकी जो घर वाले होते हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट यानी कि पूरी रात के दौरान लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप यानी कि पूरी रात के दौरान लेंचो जो किसान जो है वो एक ही उम्मीद के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड यानी कि भगवान से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything even about is deep in one's conscious यानी कि जैसा कि भगवान को सबके बारे में पता होता है कि उसके मन में क्या है, अंत चेतना में क्या है, जो हम अंदर जो सोचते हैं अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं तो भगवान को ये सब पता होता है, तो वो भी वो ये सोचता था कि भगवान को इसके बारे में सब कुछ पता है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field. अब जो Lencho जो था वो एक प्रकार से बैल की तरह एक आदमी था जो कि खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था। But लेकिन still he knew how to write. लेकिन वो अभी भी ये जानता था कि लिखना कैसे है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानवर की तरह काम करता था तो वो अनपढ़ था या उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे यानी कि आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक यानी कि सुबह दिन के दौरान ही बिगेन टू राइट अ लेटर यानी कि उसने एक लेटर लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू अ टाउन एंड प्लेस इन द मेल यानी कि इस लेटर को लिखने के बाद वो खुद उस लेटर को टाउन लेके जाएगा यानी कस्बे में लेके जाएगा और वहां पर वो खुद उसको क्या करेगा, मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड यानी कि यह न सिर्फ किसी को लेटर था, ये भगवान को लेटर लिखने वाला था यानी कि और किसी को नहीं भगवान को लेटर, जो कि नॉर्मली जब लोग इसके बारे में सोचते हैं तो एक अजीब सा लगता है। गॉड ही रॉट उसने लिखा, हे भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी अगेन यानी कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर यानी कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखे ही मर जाएंगे, हंग्री होता है भूखा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन यानी कि वो कहता है कि मुझे 100 pesos यानी कि पैसों यानी एक प्रकार की मुद्रा होती है, तो वो कहता है कि मुझे 100 pesos की पैसों की आवश्यकता है और इसका जो रीजन है वो ये है कि वो खेत में फिर से क्या करना चाहता है, सो यानी कि अनाज जो है वो बोना चाहता है। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स यानी कि अनाज बोने के बाद जब तक कि फसल पक के घर तक नहीं आ जाती तब तक उसको जीने के लिए कुछ चाहिए होगा धन पैसा वगैरह, तो उसके लिए मुझे इस रुपये की जो है वो आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम यानी कि क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई उसके कारण ही रॉट
गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप होता है लिफाफा, यानी कि वह लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, यानी कि हे भगवान। पुट द लेटर इन साइड, यानी कि वो उस लेटर को उस लिफाफा के अंदर डालता है। एंड स्टिल अ ट्रबल वेंट टू टाउन, यानी कि अभी भी दुखी होते हुए वह टाउन में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, यानी कि उस लेटर के ऊपर वो एक स्टैम्प लगा देता है, यानी कि जो डाक टिकट होता है वो लगा देता है। एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स, यानी कि जहां पर लेटर को डाला जाता है वो उस लेटर को उसके अंदर मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन, यानी कि एक एम्प्लॉय जो कर्मचारी होता है जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था। वेन टू हिज बॉस, यानी कि अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग हार्टिली, यानी कि तेजी से हंसते हुए। एंड शोज हिम द लेटर टू गॉड, यानी कि अपने बॉस को ये जो लेटर जो भगवान को लेटर लिखा गया था उस लेटर को अपने बॉस को दिखाता है। Never in his career as a postman had he known that address, यानी कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इस प्रकार का जो एड्रेस का जो लेटर है वो कभी भी नहीं देखा था। द पोस्टमैन ऑफेट एमियम्बल, यानी कि जो पोस्टमैन जो था वो फैट यानी मोटा था, एमियम्बल यानी कि मिलनसार फेलो, मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, यानी कि हंस भी रहा था। But almost immediately he turned a serious and tapping the letter on his desk commented, यानी कि फिर अचानक से वो क्या करता है, तुरंत वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है और फिर लेटर को डेस्क के ऊपर रखते हुए यानी उसको थपथपाते हुए टिप्पणी करता है। What faith, यानी कि क्या आस्था है, faith होती है आस्था। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, यानी कि वो विश करता है, कामना करता है कि जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा उस प्रकार की जो ये faith है, जो कामना है, जो विश्वास है वो खास उसके पास भी होता। Starting up corporeance with a God, यानी कि अगर ये faith, ये आस्था अगर उसके पास होती तो वो भी क्या भगवान से पत्र व्यवहार करता। So, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर ऑफ फेथ इन अ गॉड, यानी कि अब वो इसी तरह से वो ये सोचता है कि ये जो फेथ है जो भगवान के अंदर जो उसकी आस्था है उसको वो बर्बाद नहीं जाने देना चाहता था। द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया, अ पोस्टमैन एक विचार के साथ एक आइडिया के साथ अब आता है। आंसर द लेटर, अब वो सोचता है कि इस लेटर का क्यों ना आंसर दिया जाए। बट लेकिन वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उसको खोलता है यानी कि लिफाफे को जब वो खोलता है, इट वॉज एविडेंस दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, यानी कि वो जब खोलता है तो ये तो फिक्स था, ये तो सबूत एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ अलग कुछ उसको चाहिए। अब वो क्या चाहिए कि गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि एक तो उसको गुडविल चाहिए, एक इंक चाहिए और उसको एक पेपर चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, यानी लेकिन उसने भी क्या एक संकल्प ले लिया, यानी कि निश्चय कर लिया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अब वो अपने जो कर्मचारी है जो साथ में काम करते हैं उनसे वो रुपए मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने वो सैलरी का एक जो हिस्सा है वो भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव सम थिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी इस भलाई के काम को करने के लिए जो उसके जो कई सारे जो मित्र होते हैं वो भी मजबूरन वो पैसे देते हैं, ऑब्लिज्ड होता है मजबूरी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, यानी कि यह असंभव था कि बहुत कम समय में कह सकते हैं कि जो 100 जो पैसोस हैं वो इकट्ठा करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन अ हाफ, यानी कि इसलिए वो क्या मजबूर होता है कि आधे से वो थोड़ा सा ज्यादा ही वो उस फार्मर को भेजने के लिए सक्षम हो पाता है।
पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू अ लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब वो क्या करता है, जो लेंचो का जो एड्रेस होता है वो उस एड्रेस पर उस लेटर में एक पेपर डालता है, उस पेपर के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा रहता है और वो कह सकते हैं कि एक सिग्नेचर होता है, वो लेटर होता है गॉड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेकेंड पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।